नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिला के ठेकमा जिंदोपुर स्थित श्री धर्म संघ गिरी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नव निर्मित भवन का लोकार्पण मंगलवार को डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर मल्यार्पण दीप प्रज्वलन तथा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ किया गया। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अपने संबोधन में कहा कि अब सनातन धर्म के अभ्युदय का समय आ गया है। सनातन धर्म ना कभी मिटा है और ना ही कभी समाप्त हो सकता है। आज विदेशों में भी सनातन के महत्व को समझने लगे हैं। इनके परिणाम स्वरूप यहाँ भी अक्षय धाम की विशाल मंदिर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जनपद चंद्रमा एवं दुर्वासा आदि प्राचीन ऋषियों की धरती है। हम इस सरस्वती के मंदिर में आकर जो मुझे आत्मिक सुख हुआ है वह मुझे कभी अन्य बड़े विश्वविद्यालय में कहीं नहीं मिली। आज हमारी सरकार में संस्कृति विद्यालय के बच्चों को छात्रवृत्ति की योजना लाभ मिल रहा है। हमारी कोशिश है कि संस्कृत पाठशाला के बच्चों को भी मध्याह्न भोजन की योजना से जोड़ा जाए। इस विद्यालय के विकास में हर संभव प्रयास करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य पंडित सूर्य नारायण पाठक ने मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु विद्यालय के प्रबंधक पंडित ब्रजेश नंदन पांडे श्री प्रकाश पांडे कोरक शर्मा और त्रिभुवन शर्मा के प्रतिनिधि विवेक शर्मा इंजीनियर कैलाश चतुर्वेदी ऋषिकांत राय डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी फौजदार सिंह आदि का मल्यार्पण एवं अंग वस्त्र में स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। विद्यालय के प्रबंधक ब्रजेश नंदन पांडे ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमारे विद्यालय प्राचीन गुरुकुल परंपरा का पालन करते हुए संस्कृति भारतीय संस्कृति संस्कार एवं संस्कृत भाषा को जीवंत रखने के लिए कृत्य संकल्पित है। संस्कृत भाषा का ज्ञान रखने वाला कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रह सकता। संस्कृत भाषा व्याकरण की दृष्टि से सभी भाषाओं की तुलना में सबसे अधिक परिष्कृत है एवं शुद्ध होती है। इसलिए आज वॉकिंग कंप्यूटर निर्मित करने में संस्कृत भाषा को सर्वथा उपयोगी माना जा रहा है। ऐसे में भविष्य भी संस्कृत भाषा के विद्वानों की बहुत ही मांग होगी।